हाँ जी भैया, बहुत 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 धन्यवाद, भगवान के आशीर्वाद से बेटा हुआ है। नॉर्मल हुआ ना? हाँ भैया नॉर्मल हुआ, ठीक है। यार अल्ट्रासाउंड करा कर आए हैं भैया, ठीक है। अल्ट्रासाउंड डॉक्टर को दिखाया है तो उसने उन्होंने ये बताया है कि पानी बहुत कम हो चुका है, मतलब इनको कल से लेकर पानी लीक कर रहा था ना, तो उन्होंने बताया है कि पानी बहुत लीक कर रहा है और वो और पानी बच्चे में से लीक कर रहा है। और जिस डॉक्टर को हमने दिखाया वो डॉक्टर से ऑपरेशन नहीं करती है, वो नॉर्मल डिलीवरी करती है, तो उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोला है। तो बोले अब वो ये कह रही है कि, तो मैंने उनसे पूछा भी, मैंने मैडम अगर ऑपरेशन, मतलब थोड़ा मैंने उनसे ये सोच के पूछा कि पहले मैं आपसे बात करूंगा एक बार, मैंने कहा मैडम अगर हम ऑपरेशन भी अगर हमें कराना है तो अगर हम आपने कराया कि हम कल कराएं, तो वो बोले कि अब सिर्फ पहले पानी था, जो पहले हमने अल्ट्रासाउंड कराया था 1.5 महीने पहले तो उसमें था 10 पानी 10 था, आज जो कराया है उसमें 4 पानी। वो ये कह रही है कि कल से पानी लीक होना शुरू हुआ है और अब अभी तक 4 पानी रह गया है। बोले कल तक पानी खत्म हो जाएगा तो बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी। तो बोले अगर आपको ऑपरेशन कराना है तो वो भी आज ही कराना है, और अगर आपको इंजेक्शन लगवा के दर्द बढ़वा के नॉर्मल डिलीवरी करानी है तो वो भी आपको आज ही करवानी है। बोले अगर उसमें बच्चे की जान को खतरा है। तो भैया अब आप क्या कर रहे हैं? ऐसा है ना, नॉर्मल डिलीवरी दर्द कराने वाले दर्द उठाने वाली दवाई देनी पड़ेगी जी। हाँ उनको बोलो। नहीं, मेरा मतलब कहना का एक्चुअली ये है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिनसे जो नॉर्मल डिलीवरी करती हैं वो ऑपरेशन नहीं करती हैं, तो उनके वहां से और जो जो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर हैं वो बहुत काफी दूरी पर हैं। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के पास चले जाओ ना, वहां पे जाके वहां चले जाओ जी। अब तो कोई अब तो कोई चारा ही नहीं रहा जी। जी जी हाँ, जो जो रिपोर्ट कह रही है, जो बातें कह रही है, उसके हिसाब से तो कोई चारा ही नहीं रहा। हमने हमारे तो कहा हुआ था कि जैसे लीक होता है हमें डिलीवरी के लिए तैयारी करनी पड़ती है। जी 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 हाँ। बाकी बच्चा मूव कर रहा है? हाँ बच्चा तो मूव कर रहा है राकी, बच्चा मूव कर रहा है ना? हाँ बच्चा भैया मूव कर रहा है, बच्चा मूव कर रहा है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक काम करो, आप जाओ वहाँ पे हॉस्पिटल जहाँ पे भी होता है, और दूसरी चीज ये दवाइयाँ ये सब देते रहो। और अरंड का तेल पिलाए थे? नहीं अभी तो नहीं पिलाया कुछ भी। ठीक है, अभी तो क्या है कि हम एक्चुअली में दोपहर गया था अल्ट्रासाउंड के लिए, मगर वहां पे वो डॉक्टर बीच में कहीं उठ के चले गए थे। अब नंबर आया हमारा रात के वक्त में, तो अल्ट्रासाउंड करा के उधर से उधर डॉक्टर दिखाने के लिए गए, डॉक्टर दिखा के बस आए रहे हैं आपके पास में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसा उन्होंने बोला है कि ऐसी दिक्कत है तो भाई ठीक है। आप अगर वो कहती है कि हाँ जी मैं दर्द उठा के करा दूंगी तो करवा लो वही नॉर्मल डिलीवरी, भाई दर्द की दवाई देके उठाने की नॉर्मल डिलीवरी करा लो, कोई दिक्कत नहीं जी। अगर वो कहती है कि हाँ मैं दर्द वाली देके करवा लूंगी तो करवा लो, नहीं तो दूसरी जगह जाओ जहाँ पे दोनों सुविधा हो। हाँ नहीं भैया जाए तो फिर वही जाएगा। ठीक है, हाँ जी चलिए ठीक है भाई, ठीक है। और बाकी जैसा भी होगा, बाकी अरंड का तेल मिला दो 50 ml दो बार। अच्छा अब हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं दिखाने के लिए कि नॉर्मल होता है या नहीं होता, तो पिला के ले जाओ ना। अच्छा अभी पिला के ले जाएं? हाँ एक बार वहाँ पिला देना। ठीक है भैया। भैया एक चीज और जरा पूछना चाह रहा हूँ, मम्मी अभी गई थी, मतलब वो जैसे ये धार्मिक काम जो होते हैं तो उन्होंने जो शिवलिंग पे जो गुड़ के डेले चला के वो गुड़ के डेले खिला दिए, तो कोई परेशानी की बात तो नहीं उससे? कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है भैया, तो अरंड के तेल पे पिला देता हूँ भैया। ठीक है, होम्योपैथी वाली दवाई दो जरा दोनों पल्सिला भी और हाँ भी। हाँ हाँ ठीक है भैया जी, ठीक। हेलो भैया, मैं आपको माफी चाहूंगा इस तरह फोन करने के लिए, बस एक बात पूछनी है। अभी मैं डॉक्टर के पास में होकर आ रहा हूँ, तो वहाँ पे कंप्यूटर ने बोले कि भाई ऐसा है कि रिपोर्ट देख के डॉक्टर नहीं बताएंगे, वो तो मरीज को देखकर बताएंगी। तो पूछना बस ये चाह रहा हूँ कि अभी तो ये नहीं पता कि वो अभी वो करें या नहीं करें डिलीवरी, तो अभी अगर क्या फिर अब जब हमें पता ही नहीं है तो फिर अभी अरंड का तेल पिला के ले जाए या नहीं? हाँ हाँ अरंड का तेल पिला के ले जाओ, ऐसा मैं बताता हूँ। अगर भाई एक उदाहरण के तौर पे हम हॉस्पिटल गए और डॉक्टर नहीं आया जी, तब भी तो वहाँ रहेगा ना उसी के उन्हीं के केयर में, मेरी बात समझ रहे हो? हाँ जी। अभी मान ले कि वहाँ की जो मालकिन जो डॉक्टरिन डॉक्टर होगी जिस जो हॉस्पिटल चलाती है जी, उदाहरण के तौर पे मान लो कि वो कहीं शादी में गई हुई है, उसको क्या मालूम कि मेरे पास कोई केस आने वाला है? जी सही बात है, है? जी भाई उसको तो नहीं मालूम ना कि मेरे यहाँ कोई केस आने वाला है जी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ले जाओ, कम से कम सिक्योरिटी तो रहेगी, सुरक्षित तो रहोगे।
नहीं भैया, बस मैं एक्चुअली इसलिए पूछ रहा हूँ कि हम जिस डॉक्टर के पास में गए हैं अब उसके पास में पहले का भी गए नहीं है, वो तो बिल्कुल नई डॉक्टर है हमारे लिए, बस इसलिए पूछ रहा था, और की बात नहीं है भैया। तो लेके तो जाओगे ना कि भैया हम आपका अपना जो प्रश्न जो वो डॉक्टर है वो मना कर रही है, तो उसी के रेफरेंस से रेफर करवा के जाओ ना आप। पर बात यह है कि उसने उसने वो जो रेफर कर रही है वो तो कहीं और रेफर कर रही है। कहाँ रेफर कर रही है? मतलब वो हमारे घर से थोड़ा दूर है और हम लेके जा रहे हैं घर के पास। हाँ तो वो जानकार तो होगा पुराने, अगर घर के पास है तो भाई आपके मोहल्ले की तो डॉक्टर है। ना ना ना, वो घर के मतलब इतना पास नहीं है, है तो घर से दूर, मगर भैया घर के एरिया के आसपास है, जान पहचान कुछ नहीं है। तो जाओ ले जाओ फिर, बोले जी मुझे डिलीवरी करानी है जी। तो बोले जी पहले कहाँ करा रहे थे करे जी, तो क्या जवाब दोगे आप, क्या बोलोगे? मैं यही बोलूंगा कि पहले जहाँ दिखा रहे थे अब वो जो है बाहर गई हुई है। हाँ क्योंकि यही कहना पड़ेगा तो बाहर गई हुई है। भाई हमने आज अल्ट्रासाउंड कराया, फोन पे उनसे बात करी तो वो बोले कि उन्होंने कहा है कि भाई आप किसी डॉक्टर को दिखा लो। हाँ दिखाएगा भैया। हाँ हाँ वही कह रहा हूँ, तो तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा ना जी। नहीं बस थोड़ा सा मैं ये पूछ रहा था कि अब बात ये है, ये नहीं पता कि वो अब वो डिलीवरी करेंगी या नहीं करेंगी। वो करेगी करेगी भैया, ऐसा है डॉक्टर भगवान होते हैं और ऐसे अगर दूसरी बात अगर देखा जाए तो हम उसके ग्राहक हैं, कस्टमर हैं। हाँ, कस्टमर को कोई नाराज नहीं करता जी जी जी। हैं मतलब हम तो दोनों पहलुओं से बात कर रहे हैं जी। सही बात है भैया, बिल्कुल भैया। अगर वो व्यवसायी है तब भी, और अगर 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 वो अपने धर्म को निभाते हैं तो भैया उनका धर्म कहता है कि मेरे पास कोई आया है तो भैया वापस नहीं जाएगा, हम उसकी मदद करेंगे जी। अच्छा भैया, जैसे उनको लेटरिंग की जगह खाली लेटर की दिक्कत थी तो जैसे अरंडी के तेल पे लाके ले जाए तो उसको परेशानी की बात नहीं होने वाली? नहीं कोई परेशानी नहीं होगी। अरंडी का तेल पिलाया जाता है डिलीवरी कराने के लिए। ठीक है भैया जी। अब ये है कि वो फिलहाल अब वो चाहे वो फिलहाल नॉर्मल डिलीवरी करें या फिर वो सीजेरियन करें। हाँ 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 बस अब अपना भगवान। हाँ हाँ जी हाँ जी, बाकी ऐसे मेरे हिसाब से नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, चिंता ना करो जी भैया। ठीक है भैया, मैं अभी भी कह रहा हूँ नॉर्मल डिलीवरी होगी, दवाई देते रहो। ठीक है चम्मच ले जाओ, 4 चम्मच अरंडी का तेल पियो। हाँ हाँ भैया, ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। भैया इतनी रात में आपको फोन भैया परेशान के लिए माफी चाहूंगा। हाँ हाँ एक्चुअली कोई दिक्कत नहीं भैया, भाई बात थोड़ी सी है ना कि भैया हमारा पहले चाहिए भैया, थोड़ी सी हर किसी का पहला ही है, चिंता ना करो। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया, धन्यवाद। हाँ जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान के आशीर्वाद से बेटा हुआ है, नॉर्मल हुआ ना? हाँ भैया नॉर्मल हुआ। ठीक है, मतलब ये आप एक चीज मानते हो ना कि जो हम बोलते हैं, मतलब जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, उसका हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव होता है जी भैया। ठीक है जी भैया,